आपको कौन सा मुल्क लगता है कि एशिया में सबसे ज्यादा पावरफुल है? ऑब्वियसली इंडिया। इंडिया तो कैसे, थोड़ा बता दीजिए सर। देखिए आप, तो ये कि आपको कौन सा मुल्क लगता है ज्यादा पावरफुल है एशिया में? चाइना। चाइना सर, तो एक मिनट एलाबोरेट कर सकते हैं कि किस फील्ड में, किस सेक्टर में चाइना इंडिया से आगे? सेक्टर में, हर सेक्टर में। एक एक सेक्टर पर बता दीजिए थोड़ा। टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा। अच्छा, इट इज एम्बाइब्ड इन देयर कैरेक्टर, यू नीड नॉट टेल एनीथिंग, बट इन इंडिया इफ यू विल सी एवरीबॉडी इज ब्रेकिंग द लाइन। वन डे विल कम, इंडिया विल डेफिनेटली विल लुक लाइक एंड हैविंग अ कैरेक्टर लाइक जापान। दैट इज माय ड्रीम एक्चुअली। एक्स्ट्रा मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा पावरफुल है एशिया में? सबसे ज्यादा पावरफुल तो इंडिया ही है। कैसे, थोड़ा डिफाइन कर सकते हैं? इंडिया सबसे लोकतंत्र में सबसे बड़े हैं और पॉपुलेशन वाइज बड़े हैं, और हमारा पावर जैसा है कि जैसे हमारा जैसे जितना पॉपुलेशन होता है। Now the India may not be the top one, top one economic country, but you will dominate the world. And the every aspect, all country will follow the thicks of India, because now they are following. We contributed zero, as I said, we contributed yoga as well, right? सबो दृष्टि जो कि हमें विचार करिबा, वर्तमान परिस्थिति रे भारत ही सबठोर पार को सबठो केमिति टेशर कहबे केमिति जदि आम चाइना सहित कंपेयर करवा गोटे भौगोलिक सीमारेखार। फ्रेंड्स सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, मैं रश्मि रंजन आपका भाई, आप सबको आपके चैनल मैच्योर नेशन टीवी पर फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज का जो टॉपिक हमने रखा है कि हु इज़ द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन एशिया, हम सबको पता है चाइना और इंडिया दोनों में मीच कंपेयर होने वाला है, फिर भी पब्लिक ओपिनियन लगे, इंडियन पब्लिक का वाइट लगे, और मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है मैं वीडियो में बाद में बताऊँगा। चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर मिलते हैं वीडियो के बाद में। एक सर का नाम सबसे पहले पूछ लेता हूँ, सर आपका नाम? प्रदीप कुमार माझी। प्रदीप सर आज हमारा सवाल आपको ये है कि आपको कौन सा मुल्क लगता है कि एशिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल है? ऑब्वियसली इंडिया। इंडिया तो कैसे, थोड़ा बता दीजिए सर। देखिए आफ्टर पीएम ऑफ नरेंद्र मोदी हम लोग को पता लगता है कि हमसे ज़्यादा मजबूत देश कोई नहीं है, ओनली इंडिया इज इंडिया। ओके, सो इंडिया सबसे मजबूत कंट्री बन गया, क्योंकि इकोनॉमिकली आप देखिए या डिफेंस में देखिए, वट एवर, तो जो भी करने से आप देखेंगे इंडिया इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री। सो आई थिंक इंडिया इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन वर्ल्ड या एशिया व्हाटएवर। आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। अगर मैं आपके पास एक ऑप्शन रखूंगी चाइना, देखिए जब आज़ादी मिला है दोनों मुल्कों, लगभग स्टेटस दोनों का एक साथ समान था, लेकिन आज चाइना बहुत तरक्की कर गया, इंडिया थोड़ा बहुत पीछे रह गया। अगर आबादी के हिसाब से देखें, पॉपुलेशन के हिसाब से देखें, चाइना बहुत आगे, फिर भी वो टेक्नोलॉजी वाइज, मॉनेटरी वाइज, एजुकेशन वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज बहुत आगे इंडिया से। तो आप कैसे कह सकते कि इंडिया आगे है, थोड़ा डिफेंड? एक्चुअली पहले था चाइना, क्योंकि उन लोग का मैन पावर ज़्यादा है, उन लोग टेक्नोलॉजी या सस्ता में जो चीज़ बनाता है या बहुत जगह में डिस्ट्रीब्यूशन होता था, ओनली ड्यू टू देयर मैन पावर या टेक्नोलॉजी या स्किल, ओनली जो उनका स्किल लोग थे उनके पास, इसके चलते आगे था, लेकिन इकोनॉमिकली वो इतना आगे नहीं है, और उनका जो कमी है वो बाहर नहीं आ रहा है, क्योंकि इट्स ए कम्युनिस्ट कंट्री, सो ओनली जो खूबियाँ हैं वो बाहर आता है। लेकिन हमारे इंडिया में क्या होता है, हम लोग हर चीज़ बाहर आ जाता है, हम लोग कितना हमारे पास खूबियाँ हैं वो बाहर नहीं आती है, ओनली उन्होंने क्या कमियाँ हैं वो जल्दी बाहर आ जाता है। बिल्कुल, तो हम लोग का मतलब यही, आप लोग जैसे मीडिया के पास बर्खास्त हैं, आप लोग भी जो इंडिया के पास जो टैलेंट है, इंडिया के पास जो खूबियाँ हैं उसको निकालिए, ऐसा नहीं कि हमारा का एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग मैटर में बहुत ऊपर है इंडिया से, तो बहुत सारी चीज़ें सामान वगैरह इंडिया में ज़्यादा सेल होता है एशियन कंट्री में चाइना का, तो चाइना कैसे दबदबा रखा है, कैसे मार्केट को कैप्चर करके रखा है, तो इंडिया क्यों नहीं? सर देखिए, आप सिर्फ बोले कि चाइना का प्रोडक्शन के बारे में, चाइना का इंडस्ट्रीज के बारे में, तो ये भी है, चाइना का प्रोडक्ट दुकान से निकला, दुकान से निकलने के बाद वो खराब हो गया, मतलब नो गारंटी, नो। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपका सवाल ये है कि आपको कौन सा मुल्क लगता है ज़्यादा पावरफुल है एशिया में? चाइना। चाइना सर, तो एक मिनट एलाबोरेट कर सकते हैं कि किस फील्ड में, किस सेक्टर में चाइना इंडिया से आगे? सेक्टर में, हर सेक्टर में। एक एक सेक्टर पर बता दीजिए थोड़ा। टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा। अच्छा, सुई से लेकर के जहाज, सब कुछ बनाता है, सब कुछ इंडिया सब परचेज करता है चाइना से, और क्या पूंजी उसके पास ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है, चाइना ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है ना? हाँ, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टर यही है चाइना, उसके बाद ही कोई कंट्री होगा, मतलब पूरी वर्ल्ड में लगभग 70% कंट्री में उसका कैप्चर है, मार्केट कैप्चर है 68% जो भी हो, हाँ लगभग अप्रोक्सीमेटली। तो आपका लगता है कि इंडिया बहुत पीछे? हाँ अभी तो पीछे, बिल्कुल सही बात है। तो हमारा सवाल, जापान इससे आगे है, अच्छा चाइना आगे है, और भी कंट्रीज है, लेकिन इंडिया इतना आगे नहीं है। तो मेरा सवाल ये है कि जब आज़ादी मिला चाइना और इंडिया को, जापान को, जो भी मुल्क को, लगभग सबका कंडीशन एक ही कंडीशन में था, इकोनॉमिक स्टेटस, लेकिन इतने पॉपुलेशन होने का बावजूद भी चाइना कैसे ऊपर आ गया, इंडिया कैसे पीछे रह गया, क्या वजह हो सकते हैं, व्हाट इज द रूट कॉज बिहाइंड ऑफ दिस पोजीशन? लेकिन चाइना में वो पूंजीवाद अच्छा चला,
उसने मतलब पैसे के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया और समाज के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जवाहरलाल नेहरू ने। मतलब आप कहना ये चाहते हैं उस समय इंडिया की स्थिति बहुत ही खराब थी, जब अंग्रेज लोग पूरा पैसा सब लेके चले गए थे, इसके पास उतना कुछ था नहीं, स्ट्रक्चर पूरा खड़ा किया जवाहरलाल नेहरू और इधर आते आते और कुछ करप्शन हुआ, बहुत ज़्यादा करप्शन की वजह से भी इंडिया मतलब चाइना का प्रोग्रेस करने का दो ही वजह हो सकता है, एक है उनका मॉडल, दूसरा है उनका पॉलिसी। तो वो मामले में इंडिया बहुत पीछे है आपको लगता है? तो हमारा जो इंडिया का जो फिलहाल में जिस हिसाब से चल रहा है ठीक ही चल रहा है, ठीक ही चल रहा है, आने वाले दिनों में भी ग्रो करेगा। लेकिन सवाल जैसे है कि चाइना से पीछे क्यों है? अगर चाइना है नंबर वन, बड़ा मुद्दा है करप्शन, करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा है। आज का सवाल रखा है कि आपको कौन सा मुल्क लगता है कि सबसे ज्यादा पावरफुल है एशिया में? सबसे ज़्यादा पावरफुल तो इंडिया ही है। कैसे, थोड़ा डिफाइन कर सकते हैं? इंडिया सबसे लोकतंत्र में सबसे बड़े हैं और पॉपुलेशन वाइज बड़े हैं, और हमारा पावर जैसा है कि जैसे हमारा जैसे जितना पॉपुलेशन होता है उसे पॉपुलेशन से हिसाब से हमारा पावर बढ़ता है, और हम इंफ्रास्ट्रक्चर में हैं, फाइनेंशियल में है, सब में नंबर वन एशिया में। बहुत सारे लोग ये तो कह रहे हैं कि लगभग 68% ऑफ कंट्री में चाइना का प्रोडक्ट मिलता है, और चाइना का जो एक्सपोर्टिंग मामले मतलब बिजनेस सेक्टर वो बहुत ब्रॉड है, इंडिया का उतना एक्सपोर्टिंग नहीं, इंडिया ज़्यादा इंपोर्ट करता है। बाकी ह्यूमन रिसोर्स के बारे में अगर बात करें तो इंडिया का जो ह्यूमन रिसोर्स है वो बहुत स्ट्रांग है, जैसे कि पूरा वर्ल्ड में सबसे बड़ा बड़ा कंपनी हुआ, गूगल हुआ, माइक्रोसॉफ्ट हुआ, यूट्यूब हुआ, सब में इंडिया का सीईओ रहते हैं, तो उस मामले में इंडिया फास्ट है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी आप जैसे बताया उस मामले में इंडिया कहीं ना कहीं चाइना से थोड़ा पीछे, तो इसके ऊपर आपका विचार क्या है कि रिपोर्ट गलत है या फिर आपको? रिपोर्ट तो ठीक है, अभी तो वो तो रिपोर्ट ठीक है कि टेक्नोलॉजी का मामले में हमारा इंडिया जितना होना चाहिए उतना नहीं, लेकिन कोविड का बाद जो नरेंद्र मोदी साहब जो सेल्फ मेक इन इंडिया और मेक इन जो जैसे बनाया है उसको लेके अभी थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत सारे चेंजेस हो गए, 90% ऑफ सेल्फ इन इंडियन प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं, और धीरे 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 ये थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि रातों रात ये चेंज हो जाएगा। टेक्नोलॉजी में तो ठीक है, चाइना का प्रोडक्ट काफ़ी सारा यूज होता है, बहुत सारे ऐसे मेडिसिन दवाई हैं जो सब चीज़ है जो चाइना का प्रोडक्ट यूज है, वो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कि हम पावरफुल हैं। मतलब सर का कहना ये है कि अगर पिछले अगर 10 साल हम देखें तो इंडिया ने बहुत तरक्की कर लिया है इन कंपेरिजन टू पास्ट, और आगे आने वाले 10 साल या 15 साल के अंदर इंडिया भी हो सकता है चाइना को ओवरटेक कर जाए। अगर वर्ल्ड वाइज देखें तो इंडिया का पोजीशन इकोनॉमिक मामले में फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर इंडिया हो चुका है, तो कितना दिन लगेगा, कितना साल लगेगा नंबर वन आने के लिए चाइना अमेरिका को क्रॉस करने के लिए उम्मीद रखते हैं हम इंडिया ना? ये सबसे बड़ी चीज़ होता है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, जितना हम लोग ह्यूमन बींग है, इंडिया का पॉपुलेशन है वो सबसे बड़ा है, उनका एटीट्यूड, उनका एटीट्यूड के हिसाब से, और जिसे कंपनी मतलब हमारा जो नेशन का जो बड़े बड़े जो लोग होते हैं उनका और इनका अगर मिलन ठीक हो जाएगा तभी उनका सोच और इनका सोच अगर मिल जाएगा तो थोड़ा टाइम लगेगा। पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका हुज करेंटली इंस्टेंटेनियसली फील सी करेंटली चाइना इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री अमंग ऑल दिस थ्री, बट हाउएवर इंडिया विल डेफिनेटली सुपरसीड चाइना इन कमिंग 2 to 3 years बिकॉज द ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इज वेरी फास्ट एज कम्पेयर टू चाइना। पावरफुल है, तो अगर चाइना है तो किस सेक्टर में, किस लिहाज से, किस फील्ड में आगे है थोड़ा बता सकते हैं? In every aspect. Every aspect. In whether you talk of industrialization, you talk of the defense, even agriculture, mineral resources, in everything they are. In every sector you can find that China is more developed than India. भारत ही सबुठ पावरफुल भारत केमिति देशर कहबे केमिति जदि आम चाइना सहित कंपेयर करवा गोटे भौगोलिक सीमारेखार कंपेयर करवा लोक संख्या कंपेयर करा हे तो सीटा आम ठूँ बहुत बड़ और लोक संख्या बहुत अधिका, किंतु साइज बड़ हेले और लोक संख्या अधिका हो गले किसी मिलिटरी पावर अधिका हो गले शक्तिशाली आम कही पारा ना आम सब पारामीटर्स देखा डेमोक्रेसी आगे आरंभ करवापर सब नेवी आर्मी आमर कौन एयरफोर्स सब जिन देखा इंडिजेनस जिनसा देखा। हेलो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपका कोई पर्सनल कमेंट है मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अगर आप मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो मेरा जो पर्सनल कमेंट है जैसे मैंने बताया था वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो मेरा मानना यह है कि इंडिया इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन एशिया। ये था आज का वीडियो, फिर मिलेंगे नया टॉपिक के साथ, नया कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।